हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या चीज़ है? बहुत सारे से पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट से गुजरने वाला कोई कर्व है। जैसे ये हम बना रहे हैं, एक कर्व ऐसे बना दिया, एक कर्व ऐसे बना दिया, एक कर्व ऐसे बना दिया, एक कर्व ऐसा है कि सीधी लाइन है। तो ऐसी बहुत सारे कर्व बन सकते हैं दिए हुए पॉइंट से जाते हुए। कुछ पॉइंट छूट जाएंगे किसी कर्व में, किसी कर्व में चार पॉइंट आ जाएंगे, किसी कर्व में पांच पॉइंट, किसी कर्व में छः, और एक कर्व ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट से जा रहा होगा वो कर्व। तो उसी कर्व को बोलेंगे बेस्ट फिट कर्व फॉर गिवन डेटा पॉइंट, और इसी को कहते हैं कर्व फिटिंग। तो हमारे पास टेबल के फॉर्म में पॉइंट दे रखे हुए होंगे, एक्स की वैल्यूज जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह वाई की वैल्यूज दे रखी हुई हैं। जैसे मान लिया कि 1 है, 3 है और 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13, ये सब भी एक पॉइंट है। जब आप बनाएंगे एक्स वाई एक्सिस पर तो ये सब पॉइंट्स बनेंगे कहीं ना कहीं। इन पॉइंट से होता हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से होता हुआ जो कर्व होगा उसको बोला जाएगा बेस्ट फिट कर्व। अब करना क्या होगा? करना ये होगा कि पॉइंट दे रखे हुए होंगे, कहा जाएगा कि इन पॉइंट्स के लिए बेस्ट फिट कर्व निकालो। अगर वो कहते हैं कि कर्व कोई लाइन है, लाइन को फिट करना है, तो लाइन की इक्वेशन लेंगे। अगर वो कहते हैं सेकंड डिग्री का कर्व है, उसको फिट करना है इन पॉइंट्स के लिए, तो सेकंड डिग्री का कर्व लेंगे। तो जैसी सिचुएशन होगी वैसा काम किया जाएगा, जो कर्व को फिट करने को बोला जाएगा उसको फिट करेंगे। अब फिट कैसे करेंगे, क्या मेथड है फिट करने का? फिट करने का मेथड ये है, जैसे लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज टू बी फिटेड, इसको फिट करना है, इस लाइन को गिवन डेटा के लिए हमें फिट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ए और बी इनकी वैल्यू निकाल कर रख देनी है यहाँ पर, और लाइन पता चल जाएगी कि कौन सी लाइन है ये। तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जितने यहाँ पर ए और बी जो पैरामीटर आए उतनी इक्वेशन अलग से आती हैं, उनको कहा जाता है नॉर्मल इक्वेशन। सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन होती है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है, और दूसरी और तीसरी ये दोनों इक्वेशन जो है नॉर्मल इक्वेशन है, दीज आर नॉर्मल इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 और 3 आर द नॉर्मल इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी निकालेंगे, फाइंड ए एंड बी फ्रॉम दीज इक्वेशंस, और ए और बी की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वो बेस्ट फिट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई क्वेश्चन देखे हम लोग, ये दे रखा हुआ क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक फिट्स द डेटा गिवन इन द टेबल। ये टेबल में एक्स की वैल्यूज दे रखी हुई हैं, इसी तरह वाई की वैल्यूज दे रखी हुई हैं। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इन्होंने कहा है कि इसको फिट करना है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इसके लिए वही नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे जो ऊपर यहाँ बताई गई थी, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, जो भी हमने यहाँ लिखी थी कॉपी पे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन।
सिग्मा वाई चाहिए, यानी वाई की सारी वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, सिग्मा वाई मिल जाएगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट दे रखे हुए हैं, ये दोनों को मिला के एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। एन की वैल्यू यहाँ पर फाइव है, फाइव पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। टेबल बना लेते हैं, टेबल में एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ एक्स इंटू वाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे एक्स इंटू वाई, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में एक्स इंटू वाई की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये सारे सिग्मास की वैल्यूज़ हमें निकालना है। एक सिग्मा वाई निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर, चार चीज़ों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ एक्स की वैल्यू लिखी, वाई की वैल्यू लिखी, एक्स इंटू वाई कर लिया और एक्स का स्क्वायर कर लिया, सबको जोड़ दिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई जोड़ा, सिग्मा एक्स स्क्वायर को जोड़ लिया, सिग्मा एक्स 10 आ गया, सिग्मा वाई 24, सिग्मा एक्स वाई 67, सिग्मा एक्स स्क्वायर 30। ये सारी वैल्यू सिग्मा की उठा के नॉर्मल इक्वेशन में रख दो। इसकी नॉर्मल इक्वेशन ये लिखी हुई लाइन के लिए, हर कर्व के लिए अलग अलग नॉर्मल इक्वेशन होंगी। ये सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2 एंड 3। यहाँ सिग्मा वाई की जगह 24, एन की जगह 5, ए सिग्मा एक्स की जगह 10, 10b, सिग्मा एक्स वाई की जगह 67, सिग्मा एक्स की जगह 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह 30। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1.9, ए और बी उठाकर लाइन की इक्वेशन में रख देंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी बेस्ट फिट कर्व। इसी तरह हम ये कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डेटा। तो हमें स्ट्रेट लाइन को फिट करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस डेटा के लिए भी हमें स्ट्रेट लाइन को फिट करना है, जैसे अभी करा था, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स माना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और फिर वैसी टेबल बनाई, टेबल में कितने कॉलम होंगे ये नॉर्मल इक्वेशन से पता चलता है। नॉर्मल इक्वेशन ये दो नॉर्मल इक्वेशन है, कैसे बनती है नॉर्मल इक्वेशन ये आपको याद करना पड़ेगा। नॉर्मल इक्वेशन दोनों याद करना बहुत आसान है। ये लाइन की इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ सिग्मा लगा दीजिए, लाइन की इक्वेशन में दोनों तरफ सिग्मा लगा देंगे तो ये बन जाएगी पहली नॉर्मल इक्वेशन। इसी लाइन की इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स वाई हो जाएगा, और सिग्मा लगा दो तो दूसरी लाइन दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। तो कोई भी कर्व दे रखा हो अगर लाइन के फॉर्म में है तो एक बार सिग्मा लगाया दोनों तरफ, एक नॉर्मल इक्वेशन, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन में, फिर सिग्मा लगाया दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दिया जाएगा और लाइन की इक्वेशन पता हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर वही टेबल बनाया, एक्स वाई एक्स इंटू वाई कर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई के लिए 14 × 14, 2 × 27, 54, 3 × 40, 120, 4 × 55, 220, 5 × 68, 340। एक्स का स्क्वायर कर लिया, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, इनका स्क्वायर कर लिया, अब सबको जोड़ दो, सिग्मा एक्स सबको जोड़ेंगे एक्स की वैल्यूज़ को तो सिग्मा एक्स मिलेगा, वाई सब जोड़ेंगे तो सिग्मा वाई मिलेगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स वाई, सारी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये सारे सिग्मास की वैल्यू नॉर्मल इक्वेशन में रख दिया, ये बन गई। नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए और बी मिल जाएगा, ए की वैल्यू 0 इस केस में मिली है, बी की वैल्यू इतनी, उठाकर इसको हम यहाँ रख देंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, a की जगह 0, b की जगह 13.6 आ जाएगा, y इक्वल टू 13.6 यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर फिट टू द फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर टू द फॉलोइंग डेटा। अब ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे, पहले
एक्स स्क्वायर को इन्होंने जेड मान लिया है, तो ये जो इक्वेशन सेकंड डिग्री की, ये एक वन डिग्री की इक्वेशन में बन जाएगी। वाई और जेड की पावर यहाँ पर वन वन है, यानी एक लाइन की तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी। लाइन की तरह से हो जाएगी तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखना आसान होगा। एक बार सिग्मा लगाएंगे, एक नॉर्मल इक्वेशन, और एक बार जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। या ध्यान रहे यहाँ पर वेरिएबल जेड हो गया है, तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। सिग्मा लगा के जेड से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा लगाएंगे, ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। जेड से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगाएंगे तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी। अब ये सारे सिग्मास की वैल्यूज चाहिए, यहाँ टेबल बनाई गई है। एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स, सारे जोड़ेंगे सिग्मा एक्स आ जाएगा, सब जोड़ेंगे सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, टू आएगा सिग्मा एक्स। वाई जेड चाहिए हमें, वाई जेड बना लेंगे, जेड स्क्वायर। यहाँ जो जो चीज़ें चाहिए, जेड चाहिए, वाई चाहिए, वाई जेड, सिग्मा जेड, सिग्मा जेड स्क्वायर। सारे सिग्मास की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। इनको सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। ए और बी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, वाई इक्वल टू ए प्लस बी जेड। ये ए और बी की वैल्यूज आ गई, ए और बी की वैल्यू उठाकर रख देंगे, फिर जेड की जगह वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे और ये बेस्ट फिट करवा जाएगा। इसी तरह ये दूसरा एक क्वेश्चन था, हमने भेजा था आप लोगों को, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर द फॉलोइंग डेटा। वही काम यहाँ भी करेंगे, एक्स स्क्वायर को जेड मान लेंगे या कैपिटल एक्स इन्होंने मानना है यहाँ पर। तो ये करते क्यों हैं, पुट क्यों करते हैं? पुट इसलिए करते हैं कि ये जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, या यूँ कहें कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, गिवन पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन ये लाइन में बदल जाती है। और लाइन में बदलने से, लाइन में क्यों बदल लेते हैं, क्योंकि इसकी नॉर्मल इक्वेशन आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। एक बार सिग्मा लगाएंगे, एक नॉर्मल इक्वेशन, और एक बार कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगे। नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे सिग्मास की वैल्यूज़ रखी जाएंगी। ये वैल्यूज़ यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, एक्स और वाई वाली। एक्स की वैल्यू लिखी, वाई की वैल्यू लिखी। कैपिटल एक्स क्या चीज़ है? कैपिटल एक्स जो है एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, वो कैपिटल एक्स हो जाएगा, और सब जोड़ेंगे तो सिग्मा कैपिटल एक्स। इसी तरह कैपिटल एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो इस कैपिटल एक्स का स्क्वायर का मतलब है स्मॉल एक्स का की पावर फोर, ये कैपिटल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी का स्क्वायर कर देंगे, कैपिटल एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल एक्स स्क्वायर। और क्या चाहिए? कैपिटल एक्स इंटू वाई चाहिए, तो कैपिटल एक्स ये जो है मिला है, कैपिटल एक्स और वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे सिग्मास की वैल्यूज़ पता चल गई। सारे सिग्मास को उठाकर यहाँ रख देंगे नॉर्मल इक्वेशन में और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको सॉल्व करा है, बहुत बड़ा सा है, कैलसी से जल्दी हो जाता है। तो ए और बी की वैल्यूज ये आ जाएंगी, ए की वैल्यू 0.0105, बी की वैल्यू 4.5746। ये ए और बी की वैल्यू अपनी जो इक्वेशन जो हमने बनाई थी कैपिटल वाली, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ रख देंगे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। फिर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या माना था, एक्स स्क्वायर, वो पुट कर देंगे। यही आगे बेस्ट फिट कर, कैपिटल एक्स ये है, स्मॉल एक्स स्क्वायर रख देंगे, ये आ जाएगा बेस्ट फिट कर। तो इतना समझिए पहले, फिर आगे इसमें और बताएंगे।